हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक नई स्क्रिप्ट देना चाहूँगा जो कि एक बिल्कुल हटके है बाकी सभी स्क्रिप्ट से, ठीक है। और ऐसी स्क्रिप्ट आपने पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं देखोगे किसी के पे भी। तो बता देता हूँ आपको उस स्क्रिप्ट के बारे में। तो आपने कई सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे और वो बताते होंगे आपको, आपको किसी भी चीज़ के बारे में समझाते होंगे, ठीक है। तो उनके पीछे उनके मॉनिटर में या उनके लैपटॉप में एक ग्राफिक डिज़ाइन चलता रहता है जो कि लगातार बिना रुके चलता रहता है, ठीक है, जब तक वो उनकी वीडियो चलती है। तो ऐसे ही अगर मैं आपको एक स्क्रिप्ट देने वाला हूँ, वो तो अपनी वीडियो उसमें मॉनिटर में या लैपटॉप में अपनी जो वीडियो है वो चलाते होंगे, या मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन मैं आपको जो वेबसाइट देने वाला हूँ वो आपके इसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली है। तो वो वेबसाइट है ये, देखिए ये जो डिज़ाइन है ना, अगर आप अपने ऐसे ही ट्यूटोरियल्स बनाते हो, आप अपने व्यूअर्स को समझाते हो और ये डिज़ाइन अपने लैपटॉप में लगा के चला देते हो, तो ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ठीक है। और इसमें जो ये टास्क बार आपको दिखाई दे रहा है और जो ये टैब दिखाई दे रहे हैं, इनको भी हटाया जा सकता है, क्योंकि आप इस पे जाएंगे, इस पे आप दबा दीजिए तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। अब ये लगातार ऐसी चलती रहेगी जब तक आप अपना ट्यूटोरियल समझाओगे, ठीक है। तो अगर आपको ये स्क्रिप्ट अच्छी लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो डाउनलोड कर वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि उस में पासवर्ड लगा हुआ है, जो डाउनलोडिंग लिंक है ना उसमें पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक। तो एक तो मेरे पास ये वाला डिज़ाइन है, ठीक है, देखिए बिल्कुल कंटिन्यूसली चलता रहेगा ये जब तक मैं इसको स्टॉप नहीं कर देता है। तो स्टॉप तो इसका कहीं होता ही नहीं है, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हो, ठीक है, क्लोज कर सकते हो टैब को। और दूसरा डिज़ाइन मैं आपको दिखा देता हूँ, दूसरा डिज़ाइन है ये वाला, ठीक है, ये भी कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक आप अपना ट्यूटोरियल्स में समझाते रहेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप फुल स्क्रीन कर सकते हो, ये हो गया फुल स्क्रीन और ये लगातार चलता रहेगा और आपको कोई भी वीडियो चलाने की ज़रूरत नहीं है लूप पे, ठीक है। तो इसका है ये फ़ायदा। और आपको अगर ये वाली स्क्रिप्ट का भी लिंक चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस पे भी जो है ना लॉक लगा हुआ है, तो आप मैं बता दूँ उसको कैसे डाउनलोड करोगे। और हाँ, इनमें जो ये वाली जो स्क्रिप्ट है ना, ये HTML में मैंने बनाई हुई है, खाली HTML है। तो आपको इसको इस वाली स्क्रिप्ट को कैसे इंस्टॉल करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो मिलेगा वो आपको HTML कोड मिलेगा, मैं जाके दिखा दे रहा हूँ गूगल ड्राइव पे। तो ये इसको मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो ये खुल रही है, मेरा नेट स्लो है थोड़ा, खुल जा भाई। तो देखो यहाँ पे लिखा है डॉक टाइप HTML, तो यहाँ पे लिखा हुआ डॉक टाइप HTML। तो आप जो है ना, ये आप जब आओगे न्यू ब्लॉग बनाओगे तो आपको ये वाला वो मिलता है, ठीक है, ये वाला इंटरफेस मिलता है। तो आपको यहाँ पे जाके ये स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप इसको क्लासिक मोड में वो कर लेना और एडिट HTML पे जाके जो ये कोड है ना, ये वाला कोड, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना और बाकी का सेव कर देना। और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, आपकी वेबसाइट पूरी की पूरी इंस्टॉल हो जाएगी और इस तरह दिखेगी। और अब मैं बता देता हूँ इसको इंस्टॉल करने का। तो ये मैंने बनाया है XML में, ठीक है, तो इसका कोड मिलेगा आपको XML में। तो आपको XML कोड में इसको नहीं बदलना है, अगर आप नया ब्लॉग बनाते हो तो सीधा ये इंटरफेस आएगा। इसमें ये इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे जाके एडिट HTML पर क्लिक करना है और जो XML कोड मिलेगा, देखो मैं दिखा देता हूँ वो भी XML कोड। तो ये तो था डॉक टाइप HTML और वो होगा XML, ये है नेवर एंड। तो देखिए ये भी खुल रहा है अभी, तो देखिए ये खुल गया, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, XML लिखा हुआ है। तो ये जो है ना डायरेक्ट कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आओगे और मैंने जैसे बताया था कि आपको यहाँ पे क्लासिक थीम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे के HTML पे क्लिक करना है, कॉपी कोड को यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है, ठीक है, बाकी का सेव कर देना। जैसे आप सेव करोगे तो आपकी ये वेबसाइट जो है रनिंग हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो इन दोनों में कोई भी इंस्टॉलेशन में इतना ज़्यादा कठिन प्रोसेस है नहीं, ठीक है।
रही है, उसको डाउनलोड करना कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको है कि आपको जो लिंक मिलेगी आप चले जाओगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मैं दो कोड मिलेंगे इस वीडियो में आपको, ठीक है। तो एक इस वाले देखो, मैंने इसका नाम रखा है, इस वाले क्या कहते हैं स्क्रिप्ट का नाम रखा है नेवर एंड। देखो यहाँ पे भी आप देख रहे होगे नेवर एंड, ठीक है। तो नेवर एंड का जो कोड है वो है 2021, ठीक है। तो अगर आपको ये वाली स्क्रिप्ट जो है डाउनलोड करनी है तो इसमें आप लिखोगे 2021, और अगर आपको ये वाली स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी है, ये वाली स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी है तो आप लिखोगे 2022, जैसे कि मैं लिखता हूँ 2021 लिखने के बाद डाउनलोड क्लिक कर देना, तो आपकी ये वाली जो वेबसाइट है ये वाली वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी ये वाली स्क्रिप्ट। और आप अगर लिखते हैं यहाँ पे 2022 तो आपकी और डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो आपकी ये वाली जो वेबसाइट है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो नेवर एंड डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। देखो अब ये ग्राफिक्स वाली डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। तो मैंने आपको डाउनलोड प्रोसेस और इंस्टॉलिंग प्रोसेस दोनों बता दिया है। अगर आपको इन दोनों में से कोई सी भी स्क्रिप्ट चाहिए तो डाउनलोड कर लेना। आपको कोई भी लूप वाली वीडियो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने लैपटॉप में या फिर क्या कहते हैं पीसी पे। और ज़्यादातर यूट्यूबर ऐसी ही वेबसाइट पर जाते हैं। हाँ, ऐसी भी वेबसाइट होती हैं जो कि लूप बना के आपको लूप ही देती हैं, तो वो उस वेबसाइट के एड्रेस को डालते हैं और ऐसी लूप पे उनका ग्राफिक चलता रहता है। तो आप अपने ब्लॉगर ऐसी लूप ग्राफिक्स की वीडियो बना वो सॉरी स्क्रिप्ट जो है इंस्टॉल करके वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। तो आप अब वेबसाइट बनाइए और अपने ट्यूटोरियल्स को और भी अच्छे दिखाइए, ठीक है। तो अब मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है, तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। और ऐसी वीडियो में और लेके आता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। बाय।